मेरे बुजुर्गों, अध्यक्ष महोदय, संचालक कमेटी, प्रभाती समय है। रात सुनी पिया आपन की एक चातुर नार श्रृंगार बनाया, पीरी के सर पीरी पे सर पीरोई हार गले लटका, कपीरी पिया की खातर पीरी भई पीरी फटी मेरो पिया नहीं सुनेंगे। अरे सुबह बहिया बह गयो भोर, सुबह बहिया बह गयो भोर, बोले है पपिया अपने का आपा खोल, भूल गई ब्रजपाल की और कहा करूं कि तजो पसुरिया शंकर अघोरी रूप धारण करके राजा के स्वस्थान बगीचों में पहुंचे। जब राजा को यह मालूम हुआ, राजा पालकी सजा करके गए, महाराज पालकी में बैठी है भोजन करने के लिए महलों के मना कर दिया, राजन मैंने यह सुना है तुम्हारी रानी चंगावती है, वो पतिव्रता है, वो मुझे पीठे बिठा के ले जाए अयोध्यापुरी की सैर कराए, इसके बाद मुझे मन इच्छा भोजन कराए तो जा सकता हूं, वैसे नहीं जाऊंगा। राजा ने रानी से कहा, रानी चंगावती आकर कहा कि महाराज मैं आपको लेने के लिए आई हूं, पीठे बिठाया, गली गली कूचे बाजारों में घुमाया, लेकर के मेलों में पहुंची, कहो कैसा भोजन चाहिए। पहले राजन मुझे तीन बच्चा दे दो। पर वो कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जात पर वचन, हम रघुवंशी हैं, जो वतन देते हैं उसे हम वापस नहीं लेते। कहो कैसा भोजन चाहिए, क्योंकि आज मेरे बाबा के उपलक्ष्य में, भोले बाबा के उपलक्ष्य में लग रहा है, सुनेंगे भजन,
भोले शंकर का ही क्या भैया। रानी ये बताओ, मैं अपने पुत्र को अपने पास रखूं क्या, अपने शत को रखूं? अघोरी महात्मा पुत्र के मांस के भोजन मांगे हैं, अगर मैं अपने शत को अपने पास रखूंगा तो मेरा पुत्र जाता है, पुत्र को अपने पास रखूंगा तो मेरा शत जाता है, और शत को रखूंगा तो मेरा पुत्र जाता है। मैं क्या करूं? रानी चंगावती के नेत्रों से आंसू निकल पड़े, रोने लगे, पैरों को पकड़ लिया और क्या कहा? Bye.
समय पूरा है।